One, two, three. हाँ सर, NSDL का जी सर। तो बेसिकली अभी कल हमको खरसाओं में देखे हैं, वहाँ श्री सीमेंट वाला को ट्रेनिंग दे रहा है, तो उनको आप ग्रेजुएट कर लीजिए, उन पर आपका कनेक्शन हो जाएगा। वहाँ जो ट्रेनिंग सीख रहे हैं तो अपना वो घर में कुछ करना चाहेगा तो करने दें, या कोई ट्रेनिंग प्रॉपर प्रशिक्षण लेना चाह रहे हैं नौकरी के लिए उनको यहाँ करवा दें, फिर गारमेंट में नौकरी हो जाएगी क्योंकि सर्टिफिकेशन वो नहीं दे पाएगा, काम सिखा रहा है। उनको आप जैसा ना कि डिप्लोमा किया तो फिर डिग्री में एडमिशन हो जाता है जी सर, लेटर लेटरी टाइप का। उनको थोड़ा कुछ आवर्स आप उनका एग्जाम कीजिए, क्योंकि सीख के आए हैं, रिमेनिंग आवर्स आपके अनुसार आप कर लीजिए। और अभी 1 GP 1 BC मतलब BC सेंटर में जो बैंक करेस्पोंडेंट BC सखी जो होती है उसका भी ट्रेनिंग सर आज से शुरू है। सर वो 6 दिवसीय है, 7वां दिन उनका IIBF से उनका एग्जामिनेशन होता है ऑनलाइन, फिर उनको सर्टिफिकेट वहीं से मिलता है। आप लोग भी बैठ जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये सबसे पहले RCLT में उपस्थित वहाँ के माननीय उपयुक्त महोदय, जिला नियोजन पदाधिकारी रवि कुमार जी, उपस्थित SLPS के DPM साहब, RCLT के डायरेक्टर मैडम, सरायकेला प्रखंड के पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं उपस्थित तमाम दूर दराज से आए हुए सारे प्रशिक्षणार्थियों को मैं RCLT के फैकल्टी श्री शैलेंद्र को RCLT परिवार की तरफ से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले हमारे सरायकेला खरसावां के जो DC साहब आए हुए हैं और तमाम पदाधिकारी आए हुए हैं, उनका स्वागत के लिए पर RCLT का क्लैपिंग से हम लोग स्वागत करेंगे। हमारे जो ये RCLT के द्वारा जो ये महिलाओं के लिए सिलाई का प्रशिक्षण चल रहा था, तो ये महिला लोग स्वागत गीत हमारे DC महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तो आप लोग जो भी ग्रुप में हैं आप लोग आएंगे। Yeah.
में काफी खुशी एवं गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि सरायकेला के माननीय हमारे उपयुक्त महाशय जब से हमारे लिए आरसेटी बिल्डिंग बना है आज पहली बार हमारे पीजी साहब इस अवसर पर आए हुए हैं। इसके लिए हमारे आरसेटी परिवार की तरफ से हमारे डीसी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना कीमती वक्त निकाल के आपके समक्ष जो है प्रस्तुत हुए हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सर के लिए हम लोग क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3। अब सर मैं ये हमारे आरसेटी के द्वारा ये 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जो बीसी सखी दीदी लोग आई हुई है इस कार्यक्रम को आप ही के हाथों जो है ये शुभारंभ करना चाह रहे सर, तो प्लीज कार्यक्रम को दीप जला कर कार्यक्रम को 2 3। चल रहा था आज हमारा समापन समारोह है सर, तो वे लोग जो एक महीने में जो भी आपको सीखने को मिला, हमारे यहाँ दो तरह का स्किल डेवलपमेंट किया जाता है सर, एक हार्ड स्किल और दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल में आपका आता है जो भी चीज़ सीखने के लिए इन लोग आता है उससे संबंधित हमारे गेस्ट फैकल्टी होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देते हैं और मतलब ट्रेनिंग कर चुका है उन लोग, आप लोग आइएगा और अपना अपना मतलब एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो मात्र 2 ही लोग आएंगे, कोई भी आइए और 2 ही लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए ताकि एक महीने में आपने क्या सीखा, क्या जानने को मिला, पहले आपका सोच क्या था और अभी एक महीना ट्रेनिंग करने के बाद आपका सोच में कितना परिवर्तन हो गया और इसके बाद यहाँ से जाने के बाद करना क्या है। तो आप में से कोई भी आइए थोड़ा सा बताइए कम शब्दों में, तो प्लीज। माननीय सभा के सभी सदस्य महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित सभी सहपाठी सहपाठियों को मेरा आदर से प्रणाम। मेरा नाम मितु ग्वाला है और मैं यहाँ इस मंच पर कुछ बोलने का मौका दिया गया है इसीलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। मैं अपने इस 30 दिन के आरसेटी में 30 दिन बिताए हुए अनुभव के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। आरसेटी से आने से पहले मेरा सिलाई का तो बहुत इच्छा था लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसमें कि मैं अपनी प्रतिभा का विकास कर सकूं, उसको दिखा सकूं और उससे कुछ कर सकूं। लेकिन जब मैं आरसेटी का नाम सुनी तो पता चला कि यहाँ सिलाई होता है, सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो मैं 1 तारीख को आई और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के हमारा जो 284 का महिलाओं के लिए वस्त्र निर्माण बैच का ADM सर आए थे, उन्होंने दीप प्रज्वलन करके इस हमारे बैच का उद्घाटन किया। फिर हमारा क्लास स्टार्ट हुआ। यहाँ पे 2 तरह के टाइप से हमको प्रशिक्षण दिया गया, फर्स्ट है हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल में हमें एक गेम खेला गया था जिसमें कि हम अलग अलग क्षेत्र से ग्राम से आए हैं, एक दूसरे से अनजान थे, बात करने में हिचकिचाहट थी। उस गेम से माइक्रोलैब गेम से हम एक दूसरे को जाने पहचाने, हमारे अंदर जो डर था वो दूर हुआ। फिर हमें एक उद्यमशील व्यक्ति के 15 योग्यताओं के बारे में बताया गया जैसे कि स्वप्रेरणा, सूचनाओं को खोजना, पहल, आत्मविश्वास, उत्तम गुणवत्ता प्रति चिंतन, ये सब। फिर हमें और एक गेम खिलाया गया था वो है नाव का, जैसे कि हम उस गेम से ये सीखे कि हमें अपने वस्तु पे उत्तम गुणवत्ता रखना जरूरी है। हम एक जैसे कस्टमर को हम जैसे कमेंट करते हैं अपने समय के अनुसार उसको वो का सामान देना जरूरी है, समय का संपादित करना जरूरी है। और हमें जैसे कि
करना है, कैसे बातचीत करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया। और एक गेम खिलाया गया था, रिंग टॉस गेम, जिसमें कि हमें बिजनेस में कैसे कैसे पूंजी लगाना है, मतलब कि हमें कैसा रिस्क लेना चाहिए, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क। तो हमें मीडियम रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि हाई रिस्क में हमारा पैसा डूबने का चांस रहता है और लो रिस्क में हमारा हानि भी हो सकता है। और हार्ड स्किल की बात करें तो हम यहाँ से ऐसे भी हैं कि कोई कुछ मशीन के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो हमारे जो मैम हैं वो हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाई कैसे मापना है, कौन शरीर के कौन से हिस्से को पहले मापना चाहिए, कौन से कपड़े का कितना मीटर लेना चाहिए, सब कुछ बताए। जैसे कि नाइटी, ब्लाउज, पेटीकोट, एप्पल फ्रॉक, अम्ब्रेला फ्रॉक, ये सब के बारे में। और यहाँ का सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ का अनुशासन, डिसिप्लिन जो है सबसे अच्छा लगा। सुबह उठ के श्रमदान करना, योगा करना, फिर अपना टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि हम अब ठीक समय से नहाएं, खाएं, फिर क्लास जाएं, ये सब बहुत अच्छा है। और जो सर लोगों का जो टीचिंग स्टाइल है, जैसे कि इतने आसान तरीके से पढ़ाते हैं कि हमें 30 दिन में इतने सब इतना सारा कुछ सीख गए। जैसे कि बाहर में हमें 3 महीना 4 महीना लगता है, हम 30 दिन में इतना सारा सीख गए। तो सर लोगों को भी मेरा धन्यवाद। और हमारे अंदर अभी इतना आत्मविश्वास बढ़ गया है कि हम बाहर जाके कुछ कर सकते हैं, अपना रोजगार कर सकते हैं। मतलब किसी के सामने हाथ फैलाने का, परिवार के सामने हाथ फैलाने का हमको मतलब ऐसा नहीं है। हम अपना कमाई करके अपना भी जो ज़रूरत का सामान हम कर सकते हैं। तो मैं आरसेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे हमको ऐसा योग्य बनाने के लिए। और हम यहाँ के सभी स्टाफ को, सभी प्रशिक्षक लोगों को, और मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ऐसा चलता रहे। थैंक यू। मैं इतना बोल के अपना वक्त